करूंगा, लेकिन आज भगवान हनुमान जी का इतना आशीर्वाद है कि एक बालक को अच्छे से खिलाता हूँ और पिलाता हूँ। तो क्या आप सब नहीं खिला सकते? मेरे को लगता है मेरे से ज्यादा तनख्वाह यहाँ पे सारे भाई कमाते होंगे, जितनी मैं कमाता हूँ शायद कोई नहीं कमाता होगा, मुझसे अच्छी सैलरी यहाँ पे सब भाई लेते होंगे, लेकिन फिर भी क्या हम बालक नहीं कर सकते? और बाकी कितने भाई जो है शादीशुदा नहीं है? चलो 26 साल भाइयों, जो हमारे शरीर के अंदर ताकत रहती है वो लास्ट 28 से 30 की रहती है, 30 के बाद बालक होने बहुत मुश्किल हो जाते हैं। तो सबसे अतुल भाई, अतुल भाई क्या हो रहा है? तो मैं सभी भाइयों से बस ये कहता हूँ, अगर हमने किसी को सामने वाले को कमजोर करना है तो हमें उसके क्या पॉइंट पकड़ना चाहिए बताओ? बिल्कुल सही। अगर हमने मुसलमानों को कमजोर करना है तो सबसे पहले हमें उनकी लड़कियों पे टारगेट करना होगा, जहां हम उनकी लड़कियों पे टारगेट करेंगे अपने आप ही साले कमजोर हो जाएंगे। भाइयों मैं आपको यकीन दिलाऊंगा, जो मेरे साले हैं 5 जिम है, कम से कम 10 लाख रुपए महीने कमाते हैं, महेंद्र भाई जानते हैं, ठीक है। एक जिम मेरे घर के सामने ही है जो कि अच्छी खासी चलती है, लेकिन फिर भी वो क्यों कमजोर है? क्योंकि उनकी नब्ज ही मेरे हाथ में है। तो भाई जो जड़ में जाओ, कहने का मतलब ही है भाई का, कुछ मत करो, हमारी मुसलमानों से लड़ाई है नहीं, हमें तो उनकी लड़कियों से प्यार है। मैं तो हम तो उसकी लड़कियों से प्यार करेंगे ना, क्यों अपने आप ही कमजोर होते चले जाएंगे। चलो भाइयों बस इतना ही कहना चाहूंगा, जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।